श्री योग महादिव्य रामायण हिंदू धर्म का इतिहास अध्याय चतुर्थ कलयुग में हिंदू धर्म आर्य धर्म का उत्थान काल। मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम मुलख प्रभुजे जग सुखकारी। प्रभु कृपा से लिख रहा सेवक युग कलिकाल। जहां प्रथम सुकाल था पाछे भया दुकाल। एशिया महाद्वीप में था आर्यों का वास। धीरे धीरे हो गया वहां से फिर प्रवास। उन देशों के नाम अब लिख रहा हूँ मीत। निकल जहां से आ गए हो तभी प्रतीत। आपस की ही फूट से थे भय कमजोर। निकल वहां से आ गए आर्य भारत की ओर। अरब में सभी बसत थे इराक में भी जान। ईरान उनका देश था वा तुर्कमानिस्तान। इन देशों में बसत थे चिरकाल से मीत। आर्यों का ही राज्य था लो यह मन में चीत। था उज़्बेकिस्तान भी और कज़ाकिस्तान। और देश एक जान लो वह था किर्गिस्तान। और देश जो थे तब जहां आर्य सुल्तान। ताजिकस्तान एक था वा अफगानिस्तान। उन देशों में नाम नहीं अब आर्यों का मीत। मिटा दिए सब चिन्ह भी बचे खुचे लोचीत। आपस की तो फूट का होत यही है हाल। आर्य कुलों का देख लिया द्वापर में यह हाल। कलयुग की अब कहें कथा जहां प्रथम उत्थान। परस्पर की ही फूट से पतन बादलो जान। लो सुनिए कलिकाल का सकल हाल मम मीत। आर्यों ने नहीं त्यागी निज फूट की नीत। नाश द्वापर में भया आर्यों का था मीत। एक वंश तब बच गया मगध देश में चीत।
जरासंध का वंश वह चला बहुत था काल। कलयुग में उस वंश का निरख लें अब हाल। नंद वंश के नाम से कलि में ले वो जान, उसी वंश में उपजा चंद्रगुप्त महान। नंद वंश का वंशज चंद्रगुप्त महान, आर्य जाति का चंद्र ने पुनः कीन निर्माण। आर्यों के संरक्षक हैं स्वयं भगवान, राम बने कभी कृष्ण वे राम लाल लो जान। मौर्य वंश की नींव तब आप धराई नाथ, इस वंश की डोर जिमी स्वयं प्रभु के हाथ। चंद्रगुप्त का भाग्य महान, चाणक्य मिला था उसको आन। नीति निपुण और था विद्वान, मंत्री ना जग में उस समान। कूटनीति में सिद्ध था हस्त, कर्तव्य पालन में सदा ग्रस्त। था योगी भी एक महान, दृष्टि दिव्य से पाता ज्ञान। भारत का उस स्वप्ना देखा, मन में उसने दृढ़ कर लेखा। आर्यवर्त बनाऊं यह देश, खंडित रहे ना कहीं से लेश। राम और कृष्ण का यह देश, दुर्बल भया है आज विशेष। नीति कृष्ण की इस भुलाई, त्यागी राम की इस चतुराई। ग्रंथ रचा उस एक महान, नीति का जो कोश लो जान। चारों नीति वहां बतलाई, साम दान दंड भेद कहाई। पंचम नीति विशेष दिखाई, कुटिल नीति जो कथनी आई। चंद्रगुप्त को सब समझाया, नाद विजय का चंद्र बजाया। देश अखंडित की ना पूर्ण, एक क्षेत्र साम्राज्य संपूर्ण। उसकी सीमा को लो जान, उत्तर में हिमगिरि पहचान। विंध्याचल दक्षिण में भाई, हिंदू कुश पश्चिम में आई। बंग की खाड़ी तक प्रदेश, अधीन सकल था उसके देश। पाटलिपुत्र थी राजधानी, चंद्र की शक्ति सबने मानी। एक क्षत्र साम्राज्य था चंद्र का उस काल। अखंडित ऐसा राज्य तो
सुनान पूर्व काल। सूरज अस्त था हो रहा आर्यों का जिस काल, निकला चंद्र पूर्व से भोर कीन तत्काल। आर्यों के संरक्षक राम प्रभु भगवान, युग युग कृपा कीन उन रहे धर्म की शान। आर्य संस्कृति प्रिय उन्हें वैदिक धर्म विशेष, उन्हें प्रिय है देश यह करते दया हमेश। युग युग में अवतार लें भारत रक्षा हेत, राम बने कभी कृष्ण वे राम लाल लोचेत। युग युग में अवतार लें भारत रक्षा हेत, राम बने कभी कृष्ण वे राम लाल लोचेत। सताई वर्ष चंद्र का राज, बिंदुसार उसका युवराज, काबिल था वह एक नरेश की ना विस्तृत उसने देश। आर्य धर्म को उस फैलाया वेदों का प्रचार हो पाया। 25 वर्ष उसकी नाराज, निज पुत्र की ना उस युवराज। बिंदुसार का पुत्र अशोक जिसका नाम जाने सब लोक, बाप दादे के धर्म को छोड़ अवैदिक धर्म से नाता जोड़। भया बौद्ध था तभी अशोक, भारत में विस्तार अशोक। खंडित खंडित देश हो पाया, भिक्षुओं ने था घेरा लाया। भिक्षावृत्ति भई प्रधान, देश की रक्षा का ना ध्यान। आक्रमक थे देश में आए, खंडित आर्य संस्कृति कर पाए। प्रभु कृपा से था मिला इतना राज्य विशाल, अशोक की एक भूल ने की ना देश बेहाल। बुद्ध धर्म के कारणे दुर्बल भया जब देश, विदेशी आने लग गए लेश चली ना पेश। छोटे छोटे नृप भी हो गए खुद मुख्तार, मौर्य वंश की सर्वथा हो गई थी हार। यूनानी ने देश को की ना बहुत बेहाल, यूची वंश एक जंगली लिया उस देश संभाल। देववाणी वा वेद का
था कहीं नहीं मान। संस्कृति के तब ह्रास का हो इसी से अनुमान। यह तो काला काल था संस्कृति का तब मीत, रह पाया कुछ काल ही हो सबन प्रतीत। इसी संकीर्ण काल में उदय भया एक वंश, गुप्त वंश जिसको कहें ऋषि मुनियों का अंश। प्रभु कृपा ही जानिए संकट के इस काल, आसंभाला धर्म को दुकाल भया सुकाल। हे धर्म के संरक्षक राम प्रभु लो जान, युग युग कृपा कीनी उन रहे धर्म की आन। आर्य संस्कृति प्रिय उन्हें वैदिक धर्म विशेष, उन्हें प्रिय है देश यह करते दया हमेश। युग युग में अवतार लें भारत रक्षा हेत, राम बने कभी कृष्ण वे राम लाल लोचेत। गुप्त वंश ने डेढ़ सदी की ना यहां सुराज, स्वर्ण युग भया धर्म का सभी कहे हैं आज। पांच नरेश इसमें भये जिनके ये अभिधान, चंद्रगुप्त प्रथम भया वह सम्राट महान। समुद्रगुप्त उस बाद था समुद्र समलोमान, महान कर्म जो उस किए ना उनकी उपमा जान। चंद्र चंद्र समान था समुद्र समुद्र समान, शक्ति के प्रतीप दोए की ना देश महान। समुद्र का भया देहांत, शासक भया चंद्र उपरांत, विक्रमादित्य वह भया विख्यात, आदित्य वह विक्रम का साक्षात। विस्तृत कीन था उस निज राज, कीन विजित नूतन कई राज। इस राजा ने न्याय की बात जग में सर्वत्र है विख्यात। कीन चंद्र बहु वर्ष था राज, कुमार गुप्त था तब युवराज। कुमार गुप्त जब राज संभाला सुदृढ़ तर शासन उस कर डाला। अश्वमेघ उस यज्ञ रचाया, विश्व विजय इस विध बन पाया। कुमार गुप्त जब स्वर्ग सिधारा
स्कंद गुप्त ने राज संभारा। स्कंद गुप्त का काल विशेष, शत्रु विदेशी आए इस देश। हून मंगोलिया से चले आए, भारत पर आक्रमण कर पाए। वीर स्कंद ने उन्हें पछाड़ा, भारत से था उन्हें उखाड़ा। भाग गए तब वे निज देश, भारत पर कृपा प्रभु विशेष। भारत वर्ष के हैं प्रभु, सदैव राखनहार। भारत रक्षा है तवे, युग युग ले अवतार। राम बने कभी कृष्ण वे, राम लाल भी जान। भक्त हुए जो नाथ के, हो उन्हें यह ज्ञान। गुप्त वंश के राज के, गुण कहें अब तात। संस्कृति वैदिक धर्म की, विस्तृत भई साक्षात। स्वर्णिम युग तभी था आया, नूतन युग उदय हो पाया। बड़े बड़े वैदिक विद्वान, उन्हें मिला सब विद ही मान। ब्राह्मण ग्रंथ लिखे इस काल, सूत्र ग्रंथ भी लिखे इस काल। षड दर्शन जो बहु विख्यात, उनका निर्माण भया साक्षात। कपिल रचा सांख्य का दर्शन, था पतंजलि योग का दर्शन। गौतम की न्याय की रचना, कीकनाद वैशेषिक रचना। जैमिनी बनाया पूर्व मीमांसा, बादरायण उत्तर मीमांसा। महाकवि कालिदास को जान, कवियों में विख्यात महान। नाटक रचे हैं उस बहुतेरे, काव्य ग्रंथ भी हैं ना थोरे। शकुंतला नाटक जानिए एक, इससे जन परिचित प्रत्येक। मालविकाग्नि मित्रम जान, विक्रमोर्वशीयम पहचान। काव्य ग्रंथ उसके लो जान, रघुवंश लो एक पहचान। मेघदूत और ऋतु संहार, कुमार संभव लोचित धार। और लेखक जो हैं भये, गुप्त राज्य के बीच। उनका भी वर्णन करें, जो प्रसिद्ध समीच। दो कवि प्रसिद्ध भये, भास सौमिलिक चीत। ग्रंथ भास के हैं मिले, लुप्त सौमिलिक चीत। अश्वघोष भी था कवि,
इसी काल का मीत। बुद्ध चरित इसने लिखा सौंद्रानंद सप्रीत। भारवी का भी ग्रंथ है कृतार्जुनीय जान। गुप्त वंश के राज्य में भया प्रसिद्ध महान। भट्टी कवि ने है लिखा रावण वध लो जान। भट्टी काव्य के नाम से है उसकी पहचान। गुप्त वंश के काल में माघ भया विख्यात। लिख पाया शिशुपाल वध कृष्ण कथा साक्षात। रत्नाकर कवि भी भया महान। हरि विजय ग्रंथ उसका जान। नैषध चरित हर्ष लिख पाया नल दमयंती चरित सुहाया। बाण कदंबरी को रच पाया बृहत कथा गुणाढ्य लिख पाया। दंडी का दश कुमार चरित भवभूति महावीर चरित। बाल रामायण भी लो जान। राजशेखर की रचन महान। लिखा शूद्रक ग्रंथ है भाई मृच्छकटिका जो नाम सुहाई। भर्तृहरि की रचन लो जान। एक ग्रंथ में तीन लो मान। भारत का यह काल महान उज्ज्वल काल इसी को जान। कलयुग का उत्थान यह काल इस पश्चात पतन का काल। महाकवि भय इस ही काल भारत वर्ष था अति खुशहाल। धन धान्य से था देश खुशहाल। ना दरिद्रता का कहीं सवाल। भारत स्वर्ण चिड़िया विख्यात। घर घर स्वर्ण पड़ा साक्षात। देश विदेश से था व्यापार। जग का केंद्र यह था उस काल। विद्या में प्रसिद्ध यह देश। शिक्षार्थी आते रहे हमेश। विश्वविद्यालय में पढ़ पाते पा शिक्षा निज देश सिधाते। विश्वविद्यालय बहुत थे नालंदा आदि मीत। तक्षशिला भी एक था जग को है प्रतीत। भाईयान आदि यात्री चीन देश से आए। पाकर शिक्षा लौटे खुद वर्णन कर पाए। वर्णन सबने बहुत है कीना। जो कुछ यहाँ पर आकर चीना। नगर यहाँ के बहुत विशाल।
जनता यहाँ की बहुत खुशहाल। मद्यपान का था नहीं नाम, चोरी आदि का ना कुछ काम। वैदिक धर्म तो था प्रधान, बाकी धर्मों का भी मान। संस्कृत भाषा तब प्रधान, उसी में मिलता सबको ज्ञान। सारनाथ अजंता जानो, उच्च शिक्षा के केंद्र मानो। हजारों छात्रों का वहां वास, असंख्य अध्यापकों का अधिवास। दर्शन न्याय और विज्ञान, मिलता आयुर्वेद का ज्ञान। साहित्य का सृजन सभी, मुख्य भया इस काल। वैदिक और संस्कृत का जो था ना पूर्व काल। गुप्त काल की देन यह, युग स्वर्ण के बीच। ऐसा काल न आ सका फिर भारत के बीच। गुप्त वंश के बाद तो भारत रहा न एक। बहु राज्यों में बंट गया था धर्म पर एक। बाहर से भी आ गए कई लोग लो जान। खून जाति भी एक थी, लिया वेद को मान। आर्य धर्म में मिल गए, यह एक घटन महान। आर्य धर्म महान है, लीना हून पहचान। भारत के संरक्षक राम लाल भगवान। युग युग कृपा कीनी उन, देश की जाए न आन। आर्य संस्कृति प्रिय उन्हें, वैदिक धर्म विशेष। उन्हें प्रिय है देश यह, करते दया हमेश। गुप्त काल में योग भी बहुत प्रचलित जान। योगी सिद्ध भए तभी, रचे जिन ग्रंथ महान। आर्य राज्य जो उबरे, गुप्त वंश पश्चात। नाम उनके हैं ये कथे, आर्य धर्म था तात। बाहर से जो हून थे आए, आर्यों में समावे पाए। गुजरात काठियावाड़ लो जान, चालुक्य वंश की कर पहचान। मालवा में थे हून आबाद, आर्य थाने सर में आबाद। बंगाल आर्यों का राज लो जान, राज और भी कई पहचान।
एक छत्र था राजनही, धर्म सभी का एक, एक धर्म के कारणे देश अखंडित एक। धर्म के रक्षक हैं प्रभु, युग युग लें अवतार, देख समस्या देश की, आवे ले तन धार। युग युग में अवतार लें, भारत रक्षा हेत, राम बने कभी कृष्ण वे, राम लाल लोचेत। प्रभु कृपा से फिर भया, एक छत्र यहाँ राज, प्रभाकर वर्धन नाम से उपजा एक युवराज। थाने सर के नगर में जो प्रसिद्ध स्थान, उदय भया एक वंश था, वर्धन वंश महान। प्रभाकर वर्धन भया विख्यात, उसी वंश का नृप साक्षात। प्रभाकर जब स्वर्ग सिधारा, हर्षवर्धन तब राज्य संभारा। अपने राज्य का कीन विस्तार, सबने मानी उससे हार। धर्म का था उज्जवल काल, सब विध सुखी देश उस काल। दृढ़ हर्ष का राज्य था, प्रजा सुखी उस काल। अभी तलक इतिहास में प्रसिद्ध हर्ष का काल। अंतिम काल वह हो गया, बुद्ध धर्म अनुयायी, त्यागा वैदिक धर्म को, यह भूल हो पाई। की भूल जो अशोक थी, वही हर्ष ने कीन। बुद्ध धर्म स्वीकार कर, भारत खंडित कीन। बुद्ध धर्म के कारणे हर्ष का उजड़ा राज, बुद्ध धर्म के कारणे दुर्बल भया समाज। सचमुच हर्ष की थी यह भूल, बुद्ध धर्म जो कीन कबूल। वैदिक धर्म दुर्बल हो पाया, खंडित सकल देश हो पाया। वैदिक धर्म का देख जवाल, और देश का बदतर हाल। राजपूत उठ पाए उस काल, शंकर लेना धर्म संभाल। प्रभु कृपा से ही हो पाया, देश व धर्म को जिना बचाया। शंकराचार्य उदय भया, संकट के उस काल। ब्राह्मण कुल में जन्म कर, लीना धर्म संभाल।
ब्राह्मण घर था शंकर जाया, शंकर का अवतार कहलाया। बाल्यकाल में भया विद्वान, धर्म धुरंधर महाविद्वान। वेद वेदांत और पुराण, षड शास्त्रों का महाविद्वान। सभी शास्त्र उसके कंठस्थ, लिखे थे उसने बहुत ग्रंथ। हिंदू धर्म की देख के हान, ललकारा बौद्धों को उस आन। बौद्ध यदि समक्ष कोई आता, हार खाकर उससे जाता। वेदों शास्त्रों से दे प्रमाण, अपने धर्म का करत बखान। ईश्वर की तुम शरण में आओ, बुद्धम शरणम नारट लाओ। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, और ना इस समान। बौद्ध धर्म को त्याग कर, वैदिक धर्म लो मान। एक एक कर हार गए, सब बुद्ध अनुयायी। वैदिक धर्म स्वीकारा, बौद्धता ठुकराई। अखंड देश उस कर दिया, वैदिक धर्म अनुसार। चारों दिशा उस थापे, निज धाम उस चार। वह भागीरथ कार्य कर पाया, संकट से था धर्म बचाया। यदि वह कदम ना शंकर उठाता, आर्य धर्म तब मिट ही जाता। शंकर का था कड़ा आदेश, जो जन बसते भारत देश। बुद्धम शरणम ना कह पाए, शिव शंकर ही सब जन गाए। शंकर ने जो कारज कीना, सहयोग राजपूतों ने दीना। खंडित देश संभाल वे पाए, सुंदर सुंदर राज बनाए। सबने आर्य धर्म अपनाया, राज्य धर्म था उसे बनाया। आर्य पर्व वे सभी मनाते, देव पूजन में श्रद्धा लाते। वीरता का वह युग था, और धर्म भी साथ। मिलकर दोनों ने तभी काम किया एक साथ। राजपूतों ने देश संभाला, धन धान्य से इसे भर डाला। आर्य धर्म जनगण अपनाया, इसे देश विदेश फैलाया। 6 सदियों तक रहा यह काल, उस समय था देश खुशहाल। आर्य राज्य थे बहुबन पाए,
नाम सभी इतिहास में आए। राज्यों में थी प्रजा सुखारी, धर्म परायण सब नर नारी। यून सांग के लेख से जान पाए हैं लोग, बहु समृद्ध वे राज्य थे, प्रशंसा के वे योग। साहित्य का निर्माण भया और कला का साथ, राजपूतों के काल में भारत भया सनाथ। आर्य धर्म विकसित भया, मंदिर बने विशाल, मूर्तिन के निर्माण में शिल्पिन कीन कमाल। एक ही यहाँ का धर्म था, आर्य धर्म महान, राजधर्म भी था वही, गौ ब्राह्मण का मान। भारतवर्ष विशाल था, उसकी सीम महान, और देश नहीं जगत में था जो इस समान। काबुल और कंधार तक भारत का विस्तार, जावा और सुमात्रा में आर्यों का प्रचार। आर्यों की जो सभ्यता मानते सब थे लोग, अवशेष उसके अब भी जाते देखन लोग। संस्कृत भाषा में लिखे पत्थरों पर श्लोक, स्पष्ट बात बतला रहे थे वहां आर्य लोक। लंका और जापान में था आर्यों का प्रभाव, नेपाल और श्याम में भी था ऐसा भाव। चीन तुर्किस्तान में बसते आर्य लोग, संस्कृत में बहु लेख वह देख रहे हैं लोग। देख खुशहाली देश की, लुटेरों के मन लोभ, जाकर लूटें देश को उनके चित्त क्षोभ। 650 एडी से 1200 एडी तक राजपूत राजाओं के वंश और उनके राज्य का स्थान। एक, पाल वंश लाहौर में। दो, तनवार वंश दिल्ली में। तीन, गुज्जर वंश गुजरात में। चार, अग्निकुल कन्नौज में। पांच, प्रमार वंश मालव में। छः, करकोट वंश कश्मीर में। सात, सैन वंश बंग बिहार में। आठ, चंदेल वंश विंध्याचल में। नौ, पहल वंश दक्षिण भारत में। दस, चालुक्य वंश
दक्षिण भारत में, 11 यादव वंश मैसूर में, 12 चीरा वंश मालाबार में, 13 पीडिया वंश मद्रास में, 14 चोला वंश कारोमंडल में। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभुजे जग सुखकारी।